इमोशनली स्ट्रांग बनाइए, अगर रोता है रोने दीजिए, एक्सप्रेसिव होगा तभी इमोशनली स्ट्रांग होगा। अगर वो कुछ नहीं करके जाते ना तो बच्चे यही बोलते हैं, मेरे माँ बाप ने किया क्या है। वो हर दिन घुटेगा, हर दिन, लेकिन उसको निभाना भी है, कुछ नहीं कर सकता वो। वेलकम बैक टू अनदर न्यू एपिसोड ऑफ माई चैनल, दैट इज मेधा विश्वमान। एंड यस, मैं बहुत दिन से ऑनलाइन नहीं थी, मैं यूट्यूब पर नहीं आ रही थी, तो कुछ ऐसा हुआ कि मैं बीमार थी। ये इकलौता रीज़न है जिसकी वजह से मैं आ नहीं पा रही थी, और बीमार मैं तभी थी जब मैं वीडियोस बना रही थी। लेकिन वही बात है ना, पंचर गाड़ी कब तक चलेगी, धीरे 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 करके हवा निकल गई और फिर अल्टीमेटली मेरा वीडियोस ही रुक गया। बट देन कोई बात नहीं, आई एम बैक, वापस शुरू करते हैं। अब तो ठीक हूँ, सही हूँ, अब कंटिन्यू रहेगा भगवान की कृपा से। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑन एंड आई थिंक कि ये वीडियो इंटरेस्टिंग रहेगा, एंड तक देखेगा। और उससे पहले अगर आपने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो इंस्टा पे मुझे फॉलो कीजिए, फेसबुक पे पेज है मेरा, वहाँ जाके मुझे फॉलो कीजिए। जो भी वीडियोज़ अगर आप यूट्यूब पे नहीं देख पा रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज पे भी देख सकते हैं। सारा लिंक्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से ले सकते हैं। एंड जाते जाते ये वीडियो कंप्लीट करते करते अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, आई मीन मुझे नहीं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। मैं सबसे ज़्यादा ये चाहती हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट करें। आप लोग मेरे वीडियो से रिलेट कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, कुछ आप लोग को चाहिए कि कुछ ऐसा टॉपिक जो मैं डिस्कस करूँ, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मुझे अच्छा लगता है, मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं। जब एक लड़का या एक बच्चा पैदा होता है और अगर वो लड़का है तो आप नोटिस कीजिएगा मम्मी पापा का रिएक्शन क्या होता है, बहुत खुश हो जाते हैं। नो डाउट आज के ज़माने में बेटी होने पे भी उतना खुश होते हैं, लेकिन क्या हुआ करता था और अब भी होता है, हम झुठला नहीं सकते कि जब बेटा होता है तो माँ बाप का सीना जो गर्व से चौड़ा हो जाता है वो क्यों होता है, इसलिए क्योंकि अब उनका जनरेशन बढ़ाने वाला आ गया है, अब उनका सरनेम टाइटल आगे बढ़ाने वाला आ गया है। तो समझिए, एक छोटा बच्चा जब पैदा हो रहा है उसको तो कुछ पता भी नहीं है, लेकिन वहीं से उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या एक्सपेक्टेशन का भार कितना हो जाता है कि उसको अपनी फ्यूचर जनरेशन को बढ़ाना है, उनको अपना माँ बाप का नाम रोशन करना है। तो ये तो रहा कि एक न्यू बॉर्न बेबी बॉय जिसके ऊपर एक टैग बचपन से दिया हुआ है कि उसे अपने फ्यूचर जनरेशन को बढ़ाना है, माँ बाप का नाम रोशन करना है। अब इसके बाद क्या, अब वो स्कूल जाना शुरू करता है। अगर वो जब स्कूल जाना शुरू करता है तो जाहिर सी बात है बाकी बच्चों की तरह रोएगा, जैसे लड़कियां रोती है वैसे रोएगा या जैसे लड़का रोते हैं वैसे रोएगा, इसमें डिस्क्रिमिनेशन किस बात की है। लेकिन आपने ध्यान दिया है हम लोग क्या बोलते हैं, हम सब बोलते हैं अगर एक लड़का रोता है बच्चा, हम लोग बोलते हैं मत रोया करो, लड़कियाँ रोती हैं रोया मत करो, बिल्कुल रो नहीं सकते तुम कमज़ोर हो, ये बोलते हैं ना। तो सोचिए एक बच्चा है, वो लड़का है तो क्या हुआ, रो नहीं सकता, इतना कठोर उसको बचपन से बनाया जाता है। कितनी बार ऐसा होता है कि वो अपने फीलिंग्स को जो शेयर नहीं कर पाता, ये क्यों होता है, उसको बचपन से ही उसका माइंडसेट में ये डाला जाता है कि तुम रो नहीं सकते, तुम रो रहे हो मतलब तुम कमज़ोर हो। बट क्या ये हकीकत है, बिल्कुल भी नहीं। अगर वो रो देता है या बचपन से ही उसको थोड़ा वल्नरेबल बना रहे हैं इस सोसाइटी को लेकर और सिचुएशन को लेकर, वो अपनी फीलिंग्स शेयर कर पा रहा है चाहे वो रोने की हो या उसे कुछ बुरा लग रहा है या कुछ भी, अगर वो बचपन से एक्सप्रेसिव है तो ये उसके लिए अच्छा है, इसमें कुछ बुराई नहीं है। लेकिन क्या किया जाता है, उसको बचपन से इतना कठोर बनाया जाता है कि नहीं वो रो नहीं सकता। तो ये सोचिए एक स्कूल जाने वाला बच्चे की ये हालत है। अब जब वो एक अच्छे, समझिए क्लास एट के बाद, क्लास एट से ट्वेल्थ तक उसको टेंशन इस बात की रहती है कि उसको किस कॉलेज में जाना है, क्या करियर चूज़ करना है, क्यों, क्योंकि आगे जाके उसको जॉब करनी है, उस जॉब से क्या करना है, उसको अपना फ्यूचर देखना है, अपने माँ बाप को संभालना है। माँ बाप का बहुत प्रेशर होता है बहुत बच्चों पर, लेकिन सब पर नहीं, सारे पेरेंट्स वैसे नहीं होते हैं, हमेशा मैं इन जनरल बात करती हूँ तो सब, क्योंकि सबके पेरेंट्स वैसे नहीं होते, बहुत सपोर्टिव भी होते हैं, लेकिन उसको एक टाइम के बाद उसको अपना करियर देखना है,
करियर में क्या चूज करना है नहीं करना है वो उसका टेंशन, पढ़ाई का टेंशन, तो सोचिए उसका मानसिक स्थिति कितनी हद तक हिली पड़ी रहती है। और अगर वो एक्सप्रेसिव नहीं है तो सोचिए, क्योंकि लड़का है ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो नहीं सकता, तो ये भी एक बात है। तो करियर लाइफ आ जाती है, वहाँ पे उसको प्रेशर। अब प्यार वाली लाइफ, अब जब प्यार वाली लाइफ आती है तो सोचिए, एक लड़का किसी को पसंद करता है, किसी को प्यार करता है, पेरेंट्स को अगर पसंद है वो, तब तो भैया न्यारे ध्यारे हो गए। अगर नहीं पसंद है तो क्या, अब लड़का क्या करे? माँ बाप की सुनता है तो धोखेबाज है, लड़की की सुनता है तो फिर पेरेंट्स से यही आता है। अगर कोई अच्छा लड़का है ना, क्या करे? क्योंकि देखिए वैरायटी होते हैं, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो इंसान। यहाँ पे लड़की लड़का की बात नहीं है, यहाँ पे एक इंसान की बात है कि हर तरह के इंसान आते हैं। बट जो कि आज मेरा मतलब वीडियो एक लड़के के ऊपर है, तो मैं यहाँ पे लड़कों की बात कर रही हूँ, और स्पेशली मैं अच्छे लड़कों के बारे में बात कर रही हूँ। क्योंकि जिनको पढ़ा ही नहीं है ना, उनको अपने मन मर्जी करने में ज़्यादा देर नहीं लगती। बट क्योंकि कोई अच्छा लड़का है तभी वो पिसता है, तभी वो अपने माँ बाप के बारे में भी सोचता है, तभी वो एक अपनी जो भी लाइफ पार्टनर चूज़ करना चाह रहा है या कुछ भी है तो वो करता है। बट क्या होता है, इधर की ना सुने तो इधर से गाली सुनेगा, इधर से ना सुने तो इधर की गाली सुनेगा। तो ये उसकी एक कश्मकश रहती है जिससे उसको गुजरना होता है। ये तो रही लव लाइफ वाली बात, लेकिन इसके साथ ही साथ इसका एक दूसरा एस्पेक्ट भी है। अगर पेरेंट्स आपके पसंद से नहीं, या वो अपने पसंद से आपकी शादी करवा देते, या उस लड़के की शादी करवा देते किसी से, अब सोचिए अगर उसको वो लड़की पसंद नहीं है तो। वो हर दिन घुटेगा, हर दिन, लेकिन उसको निभाना भी है, कुछ नहीं कर सकता वो, क्या करे, किसको बोले जाके? अगर माँ बाप इतना ही समझते तो वैसा ना करते ना। लेकिन अगर कर भी दिया तो अब सोचिए उसको एक इंसान के साथ हर दिन बिताना है जिसको वो पसंद नहीं करता, कहाँ जाए? ये अच्छे लड़कों के साथ ही होता है। पर अगर वो लड़की अच्छी है जिसके साथ शादी किया है उसके पेरेंट्स ने, तो अब उसको अपनी बीवी को संभालना है, खुश रखना है उसको, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना है। क्योंकि आपको पता ही है बीवियों का एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होता है, जो कि गलत नहीं है, ऑब्वियसली होगा ही, तो वो एक्सपेक्टेशंस पे भी खड़े उठना है, सारी ज़रूरत को पूरी करना है, साथ साथ अपने माँ बाप को भी देखना है, क्योंकि बीवी और माँ बाप दोनों बैलेंस्ड होने चाहिए, तो वो भी उसको देखना है, तो उसका स्ट्रेस वो भी रहता है, साथ साथ उसकी जॉब का स्ट्रेस कि कैसे घर चलाना है, क्या करना है, वो है। जब वो एक फादर बनता है तब तो समझिए उसकी लाइफ टर्न अराउंड ऐसे भी हो जाती है, क्योंकि अब वो बच्चा नहीं रहा। जब वो खुद एक फादर बन गया है तो अब उसके ऊपर सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको अपने बच्चों को संभालना है। जो ज़िंदगी में भी अच्छा हुआ बुरा हुआ वो गया, अब उसको अपने बच्चों को देखना है, और कहीं ना कहीं उसको अपने बच्चों को एक अच्छी लाइफ भी देनी है। तो क्या करना चाहिए, कैसे रहना है, ये हर चीज़ उसके दिमाग में हमेशा चलता रहता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कोशिश करते हैं जो उनके माँ बाप ने उनके साथ किया वो ना करें अपने बच्चों के साथ, या कुछ ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को चाहते हैं कि बच्चे जो करना चाहते हैं उस पर वो लोग सपोर्ट करते हैं। तो हर तरीके का होता है। तो फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हम सबके पापा होते हैं, और आपने देखा ही होगा कि वो लोग अपने लाइफ में ज़िंदगी भर शायद आपने देखा होगा कि वो लोग स्ट्रगल करते हैं। स्ट्रगल एज इन वैसा स्ट्रगल नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको दिखता होगा कि वो लोग हमेशा हम लोग को खुश रखने के लिए कितनी अपनी इच्छाओं को मारते हैं। ऐसे ही होते हैं फादर्स। एक लड़के के कितने रोल्स हैं सोचिए, बच्चा, बेटा, हस्बैंड, दोस्त, भाई। यहाँ पे एक भाई का भी रोल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सोचिए बहन छोटी हो या बड़ी हो, भाई की हमेशा लाडली होती है, और ये आप सबको पता होगा और आप लोग सब अग्री करेंगे मुझसे। तो उसको भी संभालना है, उसकी शादी देखना है, जो कि उस एक बहुत कठिन चीज़ है। एक बड़ा भाई हो चाहे छोटा भाई हो, वो अपनी बहन को बहुत प्यार करता है, और वो अपनी बहन को कभी दुखी नहीं देख सकता। तो अगर बड़ा भाई है तो समझिए उसको इक्वली प्रेशर रहता है जितना उसके पेरेंट्स को रहता है, क्योंकि उसको अपनी बहन को अच्छे घर में भेजना है। वो कोशिश करेगा कि जो भी उसका हस्बैंड हो वो बहुत अच्छा हस्बैंड हो,
और भाई लोग आपको पता है बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं आफ्टर फादर्स, उल्टा मैं कहूँगी फादर्स से ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं एंड सपोर्टिव भी होते हैं बहुत केसेस में। तो ऐसा है भाई का रोल। इसके बाद मैं बताना चाहूँगी कि अगर एक फादर, भाई, बेटा, हस्बैंड सारे रोल्स जब वो अपनी ज़िंदगी के निभा देता है, तो अब जब उसने इतने सारे रोल्स निभा लिए हैं, अपने बेटा होने का, अपना फादर होने का, अपना भाई होने का, हस्बैंड होने का, दोस्त होने का, अब आता है अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ करके जाने का, जो कि है उसका बेटा या उसकी बेटी। अब उसको कुछ ना कुछ हमेशा सेविंग्स या कुछ प्रॉपर्टी या समझ लीजिए कुछ भी उसको अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए अच्छा खासा करके जाना होता है। क्यों? क्योंकि आपने देखा ही है हर बच्चे को अपने माँ बाप से भी बहुत उम्मीदें हैं, जैसे कि माँ बाप से हैं, माँ बाप को अपने बच्चों से तो अगर वो कुछ नहीं करके जाते ना तो बच्चे यही बोलते हैं मेरे माँ बाप ने किया क्या है। इसलिए हर माँ बाप को ना कहीं ये टेंशन रहता है, या हर पिता को एक बहुत बड़ा मतलब उसका समझिए पूरी ज़िंदगी जीने का एक कंक्लूजन जो बोलूँगी ना वो यही रहता है कि आप उसको अपने बेटे के लिए कुछ छोड़ के जाना है, कुछ करके जाना है। अब छोड़ के वो प्रॉपर्टी जाए या कुछ पैसे जाए या कुछ भी जाए, जो भी उसको करना है, जो भी उसको छोड़ के जाना है, तो ये उसका मेन पूरे ज़िंदगी भर का अगर आप देखो तो कंक्लूजन ये होता है कि उसको अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ ना कुछ छोड़ के जाना है ताकि उसकी नाम और इज्जत हमेशा बनी रहे। तो ये मेरा पूरा वीडियो जो रहा है लड़कों के बारे में वो इसलिए रहा है, या मेरा जो मोटिव है ये वीडियो बनाने के पीछे वो ये है कि आप लोगों को कोई दिन की ज़रूरत नहीं है टू सेलिब्रेट दिस। आप कभी भी अपने भाई को, बेटे को, हस्बैंड को, पापा को अच्छा फील करा सकते हैं, और अच्छा फील कराइए, ज़रूरी है। उसके लिए आपको किसी दिन की ज़रूरत नहीं है, कभी भी फील कराइए, हर दिन आपके ही है। अच्छे से रखिए उनको। एंड और एक चीज़ जाते जाते मैं बोलना चाहूँगी कि ये पूरा वीडियो देखा तो मैंने सारे रोल्स डिस्कस किए हैं, तो अब आप सोचिए कि कहाँ पे क्या करना है। अगर आप एज अ पेरेंट हैं, आप अपना एज अ पेरेंट देख रहे हो, तो आप अपने बच्चों के साथ कहाँ पे क्या करना है वो देखिए। अगर वो एक छोटा सा बच्चा है तो ऐसा नहीं है कि उस पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाल दिया जाए, धीरे धीरे करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सब ले लेते हैं। इमोशनली स्ट्रांग बनाइए, अगर रोता है रोने दीजिए, एक्सप्रेसिव होगा तभी इमोशनली स्ट्रांग होगा, वरना आप देख रहे हैं मेंटल स्टेट कहाँ जा रही है। उसको इमोशनली स्ट्रांग बनाइए, फिजिकली स्ट्रांग तो ऐसे भी वो टाइम आने पे बन जाएगा, पर इमोशनली स्ट्रांग बनाइए और खुश रहिए और खुश रखिए अपने इन्वायरमेंट को, अपने घर को, अपने आप को। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, एंड जाते जाते प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा मेरे चैनल को, और प्लीज़ कमेंट कीजिएगा अगर आप रिलेट कर पाए मेरे वीडियो से, कोई भी लड़का आप अगर रिलेट कर पाए या आपको अच्छा लगा हो मेरा वीडियो, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, नमस्ते।